गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सिल्कियान के चैनल में। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे। और मेरा इसमें इवनिंग से ब्लॉग मेरा स्टार्ट भी होता है। ब्लॉगिंग क्या करते हैं, अपना रूटीन वगैरह दिखा देते हैं आप सबको। और हम बच्चों को लेके आए हैं खिलाने के लिए। देखो बर्डिंग वर्डिंग हो रही है, पक्षी सब खेलने जुटे पड़े हैं। हम अपना टहल रहे हैं, बच्चों को बॉलिंग करा रहे थे और अभी तो नहीं बॉलिंग करा रहे हैं, अभी खुद ही अकेले खेल रहा है। आप देख लीजिए, बिटिया रानी थकी हुई है, तबीयत नहीं सही है, थोड़ी सी खेल रहा है अकेले ही, अकेले ही खेला जा रहा है। अभी नीचे चली गई थी, फिर दौड़ के जाके फिर लेके आई है, थक गई इसलिए और ज़्यादा। और चलो मिलते हैं सबसे लास्ट में आगे। इधर मैंने ओट्स बनाने के लिए रखा हुआ है, इधर मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है, मिक्स वेज। इसमें पालक है, मटर है, टमाटर है, आलू है, इसमें मैंने सब मिक्स किया हुआ है, सब्जी बनाई हुई है। मैंने दिखा नहीं पाई। अब चल रही हूँ रोटी सीखने के लिए, मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपना ब्लॉग ही बना लेती हूँ। अभी ओट्स बनाते हुए सबको दिखा, ये मेरा ओट्स पता चल रहा है, सोचा दिखा देती हूँ तब ओपन करती हूँ। ये देख लीजिए, इससे सही दिखेगा। चलो दिखाती हूँ, देखिए मेरा ओट्स इतना ही लिए हैं, ज़्यादा नहीं है, कटोरी है। पानी उबलने के बाद इसी में डाल देंगे, नमक वाला बनाना है। और मैं इसलिए ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि वेजिटेबल वाली ही हम सब्जी बना के रखे हैं, उसी के साथ खाएंगे, इसलिए वेजिटेबल इसमें मिक्स नहीं कर रही हूँ। और नहीं तो इसमें पूरा शिमला मिर्च वगैरह सब डालती हूँ, बीन्स वगैरह, लेकिन जो है आज मैंने नहीं डाला हुआ है, ऐसे ही ओट्स बनाएंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया हुआ एक स्पून की, उससे सहायता से इसको हमें चलाना है। देखिए धीरे धीरे ऐसे पक जाएगा, उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। और इसमें अपना आराम से साफ को मिक्स करके खाने वाले हैं, बोल रहे हैं कुछ सादा ही बनाना, और ना दूध वाला खाते नहीं हैं मॉर्निंग में। चलो ये देखिए बन के रेडी हो गया, मैंने निकाल दिया तो जो उसमें पैक कर दिया है। चलो मिलते हैं अभी आप सबसे। गाजर का हलवा बनाऊंगी, घिसने वाला घिस के बनाऊंगी आज। इस पर थोड़ी मेहनत तो लगती है लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। इसे ग्रेट करेंगे इसको अच्छे से सारे गाजर को। अब इसको हम चल रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं बनाने के लिए। हमने इसमें इतने सारे घी डाल दिए, इधर दूध को रख दिया है गर्म होने के लिए। और आज मैं रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे ही मैंने सोचा जो बना रही हूँ वही आप सबको दिखा दूँ, कौन कौन सा क्या क्या आज मैंने बनाया हुआ है वही आप सबको शेयर कर रही हूँ। इसको फिर घी गर्म हो जाता है, उसके बाद इसको हम ऐड कर देते हैं अच्छे से। सुंदर लग रहा है रिजल्ट, पहले ऑरेंज कलर गाजर जो छोटी छोटी सी आती थी उसका ऑरेंज कलर बनता था, कहीं कहीं ये भी हो जाता है। ये देखिए भून के इसको ढक्कन लगा देते हैं, पकता रहे अपना धीरे धीरे। शक्कर ऐड कर दी हुई है, ये देखिए अच्छे से, तो मेरा दूध देखिए पक रहा है।
इसमें पकाना ना रहे हमको थोड़ी देर। अभी मेवा भी पीस के डालना है। देखो कितना बढ़िया से बना हुआ है, इतना सुंदर लग रहा है ये। इतना से इसमें पूरा सारा है डिशी में हो गया है। थोड़ा सा पीस के डालते तो सही रहता है, बच्चे नहीं तो खाते नहीं है, निकाल के रख देते हैं सारा उठा। इसीलिए देखो मेरा हलवा बन के रेडी है, हलवा के जैसे हलवा हो चुका है। हलवा हलवा की भी हमें नहीं पता बेटा, पापा देखो पापा बोली करो। चल रही बेटा, चलो नीचे। नहीं, एक घंटा खेलना है तो एक घंटा खेलना है। अभी चार पचास पचास आ रहे हैं। फ्रेंड्स आप सबको कैसे लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरा छोटा छोटा सा जो वीडियो जो आप सबको नहीं मिल पाएगा। बहुत आज हवा भी चल रही है और फिर भी चले आए हैं ऊपर घूमने के लिए, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं ना, नहीं चलो छत पे चलो, बोर हो जाते हैं कमरे के अंदर रह रहे के। चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।